नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हम लोग हैं जंतर मंतर पर और आपने और जानवरों को अधिकतर जंगलों में या अंदर बंद देखा होगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो पिंजरे के अंदर बंद हैं। आप लोग ये बंद क्यों हैं पिंजरे के अंदर, वो बताएं। सर, जिस तरीके से हमारे ही जैसी और प्रजातियों की महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको पिंजरों के अंदर बंद कर दिया जाता है। देख, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, नॉट माई मॉम नॉट माई मिल्क। हर माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूध देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका दूध उससे छीन लेते हैं, उसका बच्चा उससे चुरा लेते हैं। तो ये जो एक साइकिल चली आ रही है बहुत हजारों साल से शायद, उसको बंद करना है, हमें तोड़ना है। अगर मुझे ये जेल बुरी लगती है, मुझे इस तरीके से आप बांध के रखेंगे, मुझे तकलीफ होगी तो उसे भी तो होती है। इसी चीज को समझाने के लिए हम आज ये पिंजरे में बैठे हुए हैं। जी, पिंजरों में बैठ के फीलिंग आती है कि कितनी देर आप पिंजरे में बैठ सकते हैं। आप खुद अपने कमरे के अंदर बैठे, आपके पास अगर पिंजरा ना हो तो एक दिन एक कमरे के अंदर बैठें और उसको महसूस करें कि कैसे पक्षियों को, जानवरों को बंद किया जाता है। हमारे साथ एक और महिला है, आपका नाम जानना चाहूंगा। रम्मी। हाँ रम्मी जी, ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ पक्षियों के लिए है, पशुओं के लिए किसके लिए है, और अंदर बंद होके आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी क्लियर करें। आज ये प्रदर्शन हम वीगन इंडिया मूवमेंट के तहत कर रहे हैं, जो कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। तो आज हमारा मैसेज ये है कि जितने भी तरह के मुर्गे और मुर्गियों को इस तरह से पिंजड़े में रखते हैं, उनको अंदर बांध करके रखते हैं, उनको दाना पानी नहीं दिया जाता, तो उनके लिए कितना तकलीफदेह स्थिति होती है, ये बताने के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पिंजड़े में बैठ करके कि अगर हम इंसान अभी बैठे हुए हैं तो हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो उन मुर्गे और मुर्गियों को कितनी परेशानी होती होगी। तो हमारा संदेश यही है कि उनको भी आज़ादी दी जाए, उनको भी उनका स्थान दिया जाए, क्योंकि उनको भी दर्द होता है और उनकी भी ज़िंदगी की कीमत है। जी, और हमारे से एक महिला है जो बाहर है, जिनका एक बोर्ड इन्होंने ले रखा है जिन्होंने पे लिखा हुआ है जानवरों का उपयोग बंद करें, पशु उत्पादनों को खरीदना बंद करें, वीगन बने। तो क्या नाम है आपका? मनीषा। आप लोग किसी संस्था से हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं, एनजीओ से हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और ये करने का कैसे विचार आया वो भी बताएं। हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैं जिनका नाम है दिल्ली वीगन्स फॉर एनिमल लिबरेशन। वीगन वो लाइफस्टाइल है या वो जीवन शैली है जिसमें हम पशुओं का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं भी हम पशुओं का उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वहाँ उनका शोषण होता है। तो इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। तो हमारा ग्रुप सबके लिए मतलब खुला है, कोई भी वीगन बनता है, वीगन मतलब जो पशुओं का इस्तेमाल करना बंद करता है वो वीगन होता है, और कोई भी वीगन हमको हमें ज्वाइन कर सकता है। तो हमारा ये ग्रुप बोल सकते हैं आप, कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये इवेंट जो है, जैसा कि मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी कहा कि ये दर्शाने के लिए कि उन लोगों को भी, जानवरों को भी आज़ाद जीने का अधिकार है, तो ये अगस्त का महीना है और भारतवर्ष में हम लोग 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस का मतलब पालन करते हैं। तो इसीलिए इस मतलब हम लोग ये डेट इसीलिए चुने हैं क्योंकि ये अगस्त का महीना है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमको स्वतंत्रता प्यारी है तो जानवरों को भी अपनी स्वाधीनता स्वतंत्रता प्यारी है, इसीलिए ये इवेंट हम लोग आज कर रहे हैं। रिया, और रिया ये मन में कैसे आया आपको करने का, और इसको मुहिम को चालू करने के लिए आपने अपने सहयोगियों से कैसे सहायता मांगी ये बताएं। आज हम यहाँ पे वीगनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया में हम सबको नॉन वेजिटेरियन पता है, हमें वेजिटेरियन पता है, पर वीगन एक तीसरी कैटेगरी है जिसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस है नहीं अभी। तो वीगन कोई भी ऐसा इंसान है जो कि जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिकली वो एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड करता है, चाहे वो आपके खाने में हो, चाहे आपके पहनावे में हो, चाहे फिर आप कोई कॉस्मेटिक खरीद रहे हो, चाहे आप डिटर्जेंट खरीद रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो वीगनिज्म इसी के बारे में है कि हम एक ऐसी प्रजाति जो कि बोल नहीं सकती, अपना बचाव नहीं कर सकती और उनको कोई समझ नहीं सकता, वो जिनको हम अपना एक कमोडिटी मानते हैं, जिनको हमें लगता है कि वो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी अलग ज़िंदगी जीने आए हैं, हम अपनी अलग ज़िंदगी जीने आए हैं। तो हमारा यही मोटिव है इस वीगन मूवमेंट से कि लोगों को बताना कि वो
भी एक जीव है जो कि महसूस करता है, जिसको दर्द होता है, जिसकी जिसके परिवार होते हैं, और जब उसके बच्चे को उससे अलग किया जाता है या उसको उसके सामने उसके और परिवार को काटा जाता है तो उसको डर फील होता है, उसको दर्द होता है। वो तो वही हम बताना चाहते हैं कि इनमें भी जान